दोस्तों बोल पड़े ब्रह्मास्त्र को लेकर ऋतिक रोशन साहब, आखिरकार क्या कहा है ऋतिक रोशन साहब ने ब्रह्मास्त्र मूवी पर, जानकर आप भी हैरान हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड बल न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इन दिनों बायकॉट का ट्रेंड काफी ज्यादा छाया हुआ है, यहां तक कि बॉलीवुड की हर एक फिल्म को बायकॉट किया जा रहा है, चाहे वो जिसकी भी फिल्में हों। यहां तक कि हाल ही में ऋतिक रोशन साहब की फिल्म विक्रम वेदा को भी बायकॉट किया जा रहा था। और आपको बता दें कि अब हाल ही में ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज होने जा रही है, इसको भी बायकॉट करने की बात हो रही है। तो ऐसे में इस पर कई सारे दिग्गज सेलिब्रिटीज रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हाल ही में ऋतिक रोशन साहब के साथ मीडिया इंटरेक्शन हुआ और उनसे कुछ सवाल पूछा गया कि आपकी अपकमिंग फिल्म फाइटर की शूटिंग कब स्टार्ट हो रही है, उसको लेकर ये खबरें सामने आ रही है कि ये फिल्म की शूटिंग अगले महीने स्टार्ट हो जाएगी। उस पर ऋतिक रोशन साहब ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ बिल्कुल, और इसके लिए हम अगले महीने फॉरेन लोकेशंस पर विजिट भी करने वाले हैं। वहीं उसके बाद उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपकी फिल्म विक्रम वेदा को बायकॉट किया जा रहा था सोशल मीडिया पर, वहीं अब ब्रह्मास्त्र मूवी को भी बायकॉट किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो उस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सही नहीं है। मुझे लगता है कि फिल्मों को बनाने में सैकड़ों हजारों लोगों की मेहनत होती है और बहुत सारे लोगों का जीवन इसी पर निर्भर होता है। यहाँ तक कि अगर हम फिल्म को बहिष्कार करते हैं, बायकॉट करते हैं, तो उनका हम रोज़गार छीन लेते हैं। यहाँ तक कि ये भी उन्होंने कहा कि पहली बात कि इस बायकॉट जैसी मुहिम के लिए किसी एक की गलती की सजा हम सैकड़ों हजारों लोगों को नहीं दे सकते। यहाँ तक कि इस बायकॉट जैसी मुहिम से हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि फिल्म जब रिलीज होती है और उससे जब कमाई होती है तो उसे अच्छा खासा जो हिस्सा होता है, उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो होता है बतौर टैक्स के तौर पर इंडियन गवर्नमेंट को भी दिया जाता है। तो ऐसे में हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को भी प्रभावित करते हैं, और मेरा मानना है कि इस तरह की चीज़ों से हम कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे में ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको फिल्म नहीं देखनी है तो आपके इंटरेस्ट में है, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होना मेरा मानना है कि बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह की एक्टिविटीज से बचें, मैं यही लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फिल्म को देखे बिना प्लीज़ जज मत कीजिए, क्योंकि फिल्म को बनाने में सालों की मेहनत होती है और सैकड़ों हज़ारों लोगों की मेहनत होती है। तो ऐसे में आप लोग फिल्म जरूर जाके देखिए, और ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छी फिल्म है। मैं भी इस फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो जरूर देखूंगा। इस तरह से उन्होंने रिएक्शन शेयर किए हैं, और देखा जाए तो उन्होंने इस फिल्म के लिए काफ़ी सराहना भी की है कि इंडियन बॉक्स ऑफिस में शायद पहली बार ऐसी कोई फिल्म बन के तैयार हुई है जो कि रिलीज होने जा रही है। वैसे दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर? आपको क्या लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर चल पाएगी या नहीं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं रिपोर्ट में जो कि होगा आपके लिए काफ़ी खास।